हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। उसके टॉपिक के कॉन्टैक्ट नंबर किस प्रकार से सेव करते हो बताऊंगी। फ्रेंड्स, मेरे पास है लावा का फोन है, आइए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग को ओपन करना है। सॉरी फ्रेंड्स, इसके लिए आपको डायल पैड ओपन करना है। डायल पैड ओपन करने के बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस आता है। अगर आप फॉरवर्ड या रिसेंट पर क्लिक करते हो, कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक करेंगी, मतलब क्लिक कर लेंगी। एंड क्लिक करने के बाद आपको कॉन्टैक्ट्स की और यहाँ पर आपको यहीं पर ऊपर शो होता है करेक्ट न्यू कॉन्टैक्ट, आप उस पर क्लिक कर देंगे। और उसके बाद आपको जिसका नंबर आप सेव कर रहे थे उसका फोटो लगाना चाहिए, तो यहाँ से फोटो लगाएंगे। और उसके बाद टेक फोटो, चॉइस फोटो अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जैसे कि चॉइस फोटो जिस तरीके से अपने फ़ोन में और मतलब कि ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने इस तरीके से ऐड कर दिए, डन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से वॉलपेपर सेट हो चुका है, मतलब कि फोटो सेट हो गया। अगर आपने अपनी फ़ोटो लगानी चाहिए तो फोटो लगा सकते हैं। फर्स्ट नेम डालेंगे, मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिख देती, जैसे कि मैं डाल देती हूँ, जैसे कि मैं अपने नाम ही डाल देती हूँ फ्रेंड्स। और इसके बाद आपको यहाँ दिखता है सरनेम, ये सब चीज़ें डाल सकते हैं। फ़ोन नंबर आपको समझाने के लिए ऐसे बता रही हूँ। और इसके बाद 10 डिजिट का आपका फ़ोन नंबर तो होना ही चाहिए। और इसके बाद आपको यहाँ दिख जाता है मोबाइल नंबर और या फिर फ़ोन नंबर, ये सब डाल सकते हैं। और मोर के ऑप्शन भी क्लिक करते हैं तब आपको यहाँ दिख जाता है और भी चीज़ें ऐड डालने का। तो यहाँ देख सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं, अगर सब ऐड हो जाता है उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना होगा। देख सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर सेव हो गया। इसी तरीके से आप अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आए किस प्रकार से कॉन्टैक्ट नंबर सेव करते हैं। आपको दिखा देती है एक बार और कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट में देख सकते हैं हमने सेव किया था पी नाम से। और देख सकते, इसलिए मैं पी नाम से नहीं करती इतना, क्योंकि ज़्यादा ही पीछे जाना पड़ता है हमें देखने के लिए। और मेरे नाम से देखते हैं कहाँ पे लिखा है, तो ये देख सकते हैं मेरे में पिक्चर है, इसलिए मैंने पहचान ली जल्दी से। एंड इस पर क्लिक करके यहाँ से कॉल, यहाँ से वीडियो कॉलिंग, हर एक चीज़ आपके फ़ोन में हो सकता है। और इसी तरीके से आप अपने फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग सॉरी फ्रेंड्स और कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर सकते हैं। अगर आपको हटाना हो बाई चांस, अगर दोबारा से एडिट करना है उस पर क्लिक करके यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर हटाना हो तो इसे कॉन्टैक्ट के इसी के 3 डॉट पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे यहीं पर छोटे डिलीट का ऑप्शन, यहाँ से डिलीट कर देंगे, यहाँ डिलीट भी हो जाता है आपका। इसी तरीके से आप अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट नंबर सेव करेंगे। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। फ्रेंड्स, तब तक के नमस्कार।